Simple pendulum of length 5 meter and 20 meter respectively are small linear displacement in one direction at the same time. अब देखो हम लोग पास दो सिंपल पेंडुलम है, एक 5 मीटर है, 20 मीटर है, और दे विल सेम फेज व्हेन द शॉर्टर लेंथ हैज कंप्लीटेड. जो स्मॉल वाला पेंडुलम है वो दूसरे वाले के साथ सेम फेज में आएगा कब, जब कितने ऑसिलेशंस कंप्लीट कर चुका होगा पेंडुलम ऑफ शॉर्टर लेंथ कंप्लीटेड. नंबर ऑफ ऑसिलेशंस निकालना, आपको पता है कि नंबर ऑफ ऑसिलेशंस क्या होता है एक साइकिल में. देखो अगर पार्टिकल है कोई SHM कर रहा है, यहां से जाएगा, यहां रुकेगा, वापस आएगा, रुक नहीं पाएगा, इधर जाएगा, फिर रुकेगा, फिर वापस आएगा, एंड सो ऑन अप टू इनफाइनाइट टाइम तक ऐसे ऑसिलेशन करता रहेगा. और इस ऑसिलेशन का जो टाइम पीरियड है वो 2πL/g के फार्मूले से दिया जाता है भाई, क्लियर है. अब देखो यहां से दोनों सिंपल पेंडुलम के लिए फार्मूला मैं अप्लाई कर रहा हूं, ध्यान से देखो. लेंथ 5 मीटर है तो पहले वाले का टाइम पीरियड कितना आ जाएगा, पहले वाले का टाइम पीरियड 2π और 5 और जी अंडर रूट इतना आ जाएगा. दूसरे वाले का टाइम पीरियड कितना आ जाएगा, लेंथ कितना इसका देखो 20 मीटर, तो लेंथ अगर 20 मीटर है तो 2π 20 और जी अंडर रूट, और 20 को 4 मल्टीप्लाइड बाई 5 कर दो तो 2 बाहर आ जाएगा, तो 2 और 2π और 5g और इतना इसको लिख सकते हैं, मतलब 2 times t dash, मतलब जिसका लेंथ ज्यादा होगा उसका टाइम पीरियड पहले का 2 times होगा. इसका क्या मतलब होता है इसको अच्छे से हम समझते हैं. अब हम लोग को ये समझना है कि दो सिंपल पेंडुलम है जिसका टाइम पीरियड, इसका जो टाइम पीरियड है वो t1, इसको मैं t मान लूं, जिसका लेंथ 5 है, तो दूसरे वाले का टाइम पीरियड यहां से गए जाएगा, देखो फिर वापस आएगा, रुक नहीं पाएगा, इधर चला जाएगा, इधर आ जाएगा, t2 = 2t है, मतलब तो दूसरे वाले का टाइम पीरियड है सीधा डबल है, जिसका लेंथ 20 है, मतलब ये स्लो चलेगा ये फास्ट चलेगा, इतनी तो बात क्लियर है. तो अब ये बात हमें निकालना है सेम फेज का क्या मतलब होता है. सेम फेज का मतलब होता है कि फेज डिफरेंस उनमें जीरो है भाई. फेज डिफरेंस जीरो क्या होगा, ध्यान से देखो, यहां से t = 0 से मोशन स्टार्ट हुआ, स्लो मोशन में समझने की कोशिश करो, t = 0 से मोशन स्टार्ट हुआ, तो यहां से जब ये आगे जाएगा उसी वक्त दूसरा वाला भी जिसका लेंथ 20 है t = 0 वो भी यहीं से स्टार्ट करेगा अपना मोशन. अब जब t = 0 पर दोनों इक्विलिब्रियम पोजीशन से अपना मोशन स्टार्ट करें उस वक्त दोनों में फेज डिफरेंस क्या है, जीरो है, ये बात तो क्लियर है. अब ये इसका टाइम पीरियड ज्यादा है, स्लो चलेगा और ये फास्ट चलेगा, तो ये स्लो ये यहां से जाएगा, फिर वापस आएगा, फिर एक बार आएगा तो एक टाइम पीरियड होगा, उतने टाइम में ये 2 चक्कर पूरा कर चुका होगा, क्योंकि इसका टाइम पीरियड टी है और इसका टाइम पीरियड 2t है. मतलब ये हुआ कि अगर एक चक्कर समझ लो 10 सेकंड में पूरा करता है तो ये एक चक्कर 5 सेकंड में पूरा करेगा, ठीक है, ये जो है एक चक्कर 5 सेकंड में पूरा करेगा. और नंबर ऑफ ऑसिलेशन देखो, नंबर ऑफ ऑसिलेशन, तो ऑसिलेशन मतलब एक बार जाएगा वापस आएगा, तो ये जितने में 10 सेकंड में ये 10 सेकंड में एक चक्कर पूरा करेगा और वही ये 10 सेकंड में 2 साइकिल पूरा कर चुका होगा, ठीक है. तो इसका मतलब ये हुआ कि ए ऑप्शन सही है, नंबर ऑफ ऑसिलेशंस निकालना है.